लास्ट वीक में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था iOS 15.4, जिसमें काफी सारे नए फीचर्स हमें मिल जाते हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है जो कि आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। बट इस अपडेट के बाद काफी सारे आईफोन यूजर्स को जो है बैटरी बैकअप का इश्यू आने लगा, एंड इस सिचुएशन में हम क्या करें? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वैसे तो नेक्स्ट आने वाले अपडेट में ये जो इश्यूज है बैटरी रिलेटेड, ये सॉल्व तो हो जाएंगे, बट तब तक के लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने बैटरी को इम्प्रूव कर सकते हैं अभी के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबको टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही एक नया वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो सबसे पहला टिप है टू डिसेबल लोकेशन एंड सर्विसेस। इसके लिए आप अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, उसके अंदर प्राइवेसी सेक्शन में लोकेशन सर्विसेस को आप टर्न ऑफ कर सकते हो, एंड नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो सिस्टम सर्विसेस मिल जाते हैं, जिसमें ऑप्शंस लाइक एप्पल पे मर्चेंट, कंपास कैलिब्रेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, होम किट, नेटवर्किंग एंड वायरलेस जैसे सर्विसेज को आप डिसेबल कर सकते हो। वैसे एक और ऑप्शन है आईफोन एनालिटिक्स वाला, जिसे आप डिसेबल जरूर से कर लो। दूसरे टिप में जो है आप डिसेबल कर सकते हो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, वहां से बैटरी वाले सेक्शन में, उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि कौन से ऐप बैटरी कंज्यूम कर रही है, तो आप उनका एक लिस्ट बना लीजिए। अब सेटिंग्स में वापस आकर आप उन एप्स की जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है उनको डिसेबल कर दीजिए। इसके चलते आपका जो ऐप है वो बार बार रिफ्रेश नहीं होगा बैकग्राउंड में। आईफोन की सबसे प्यारी चीज है उसकी डिस्प्ले, एंड ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तो होता ही है, बट साथ ही साथ एक फैक्टर भी बन जाता है बैटरी कंजप्शन में। एंड अगर आप रेस टू वेक वाला फीचर को टर्न ऑन रखते हो तो डेफिनेटली बैटरी यहां पर कंज्यूम होती है। इसको टर्न ऑफ करने के लिए आप अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, उसके अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको रेस टू वेक वाला फीचर मिलेगा, जिसे आप जो है डिसेबल कर सकते हो। मैं अपने आईफोन में इस फीचर को रेयरली यूज करता हूँ, तो मेरे केस में सेंस बनता है कि मैं इसे डिसेबल रखूं। अब सीरी इतनी प्यारी है तो कौन ही इग्नोर कर सकता है, बट हमें रहना है सख्त। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। तो इसके लिए आप अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाकर सीरी एंड सर्च सेक्शन में हे सीरी को टर्न ऑफ कर दीजिए। ऐसा करने से सीरी जो माइक यूज कर रही थी, जो कि बैटरी ड्रेन का एक फैक्टर था, वो रुक जाएगा। आपके आईफोन में कुछ ऐसे एप्स भी हो सकते हैं जो कि आप बहुत ही रेयरली यूज करते हो, मे बी यूज ना भी करते हो, तो उन एप्स को भी आप जरूर से रिमूव कर दीजिए। इसको करने के लिए आप सिंपली टैप एंड होल्ड कीजिए ऐप को, फिर उस पर रिमूव का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप टैप करके कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हो, एंड ऐसे जितने भी अनयूज्ड ऐप है उन्हें आप डिलीट कर दीजिए। एक और फैक्टर ये भी हो सकता है कि iOS अपडेट के बाद कुछ एप्स रह गए होंगे जो कि लेटेस्ट वर्जन में नहीं अपडेटेड है, तो उनको अपडेट कर लीजिए, ताकि ऐसा कोई भी बग हो या फिर कोई भी इश्यू हो जिसके वजह से बैटरी ड्रेन हो रही थी वो भी सॉल्व हो जाए। एक और टिप ये है कि साउंड रिकॉग्निशन को आप डिसेबल रखो, ताकि सीरी जैसे माइक यूज कर रही थी ये वाला फीचर भी आपका माइक यूज ना करे, ताकि बैटरी सेव अप हो। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी के अंदर साउंड रिकॉग्निशन वाले सेक्शन में साउंड रिकॉग्निशन वाले फीचर को टर्न ऑफ कर दो। अब अगर आपके आईफोन में बैटरी ही कम है तो आप लो पावर मोड को टर्न ऑन कर लीजिए। इसके बाद बैकग्राउंड एक्टिविटी एंड ऐप रिफ्रेशेस जो है लिमिट हो जाएंगे, जिसके बाद आपका काफी सारा पावर जो है सेव अप रहेगा। वैसे सबसे आखिरी में आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को जरूर से चेक करो, अगर 80% से कम है तो इट्स टाइम कि चेंज करने का आप प्लान शुरू कर दो। तो ये थे कुछ टिप्स मेरे तरफ से, जिनको आप यूज करके डेफिनेटली चेक कीजिए कि आपका बैटरी सेव अप हो रहा है या नहीं। कमेंट करके जरूर से बताइए कि कौन सा टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर टू डाउनलोड iGeeks Blog ऐप फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट अबाउट एवरीथिंग एप्पल। दिस इज मी अनिरुद्ध, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।